हेलो फ्रेंड्स सो लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रेट बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आर बी आई टू द कमर्शियल बैंक्स सो बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच एट विच आर बी आई टू द कमर्शियल बैंक लेकिन अगर आर बी आई कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है मनी दे रहा है तो किसी चीज़ के अगेंस्ट तो देगा ना कुछ कोलेट्रल तो रखेगा सो द कोलेट्रल इज़ कमर्शियल बॉन्ड्स सो अंडरस्टैंड केयरफुली वाट इज़ द बैंक रेट बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आर बी आई लैंडस टू द कमर्शियल बैंकस अगेंस्ट कमर्शियल बॉन्ड्स सो ये जो लैंडिंग है ये कमर्शियल पेपर या फिर कमर्शियल बिल्स के अगेंस्ट होती है जिनको हम कॉपोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं जो मैंने कमर्शियल बॉन्ड टर्म यूज़ किया है कॉपेट बॉन्ड टर्म यूज़ किया है विच इज़ नथिंग बट कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल्स अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में अपने स्टडी करेंगे जो बैंक रेट है उसकी एकदम धमाकेदार जो एकदम फॉर्मल जो डेफिनेशन है उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी सो बैंक रेट इज़ ऑल्सो द रेट एट विच आर बी आई प्रोवाइड्स री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक अब ये री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी क्या है एंड अलाउिंग दैम टू बोरो अगेंस्ट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ और ये फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ क्या हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ बैंक रेट इज़ द रेट एट विच आर बी आई प्रोवाइड्स री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ फ़र्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं फ़र्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ आर द सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट विच बैंक कैन बोरो फ्राम द आर बी आई वेन एवर एनी बैंक हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम द आर बी आई इट हैज़ टू प्लेज समथिंग और बैंक जो है वो कुछ भी प्लेज नहीं कर सकता कोई भी सिक्योरिटी uh, प्लेज नहीं कर सकता आर बी आई को दे आर सर्टन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ओनली दोज सिक्योरिटीज़ कोड बी प्लेज एंड दीज सिक्योरिटीज़ आर नोन एज फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ और इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कमर्शियल पेपर्स एंड कमर्शियल बिल्स इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी यूज़ किए जाते हैं आई विल रिटर्न बैक टू द कंसेप्ट ऑफ बैंक रेट लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल पेपर क्या होता है वॉट इज कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर क्या होता है इट इज़ एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ हाई नेटवर्थ कंपनी अ हाई नेटवर्थ कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दीज़ आर इश्यूड बाय द कंपनी टू मीट देर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड दीज कमर्शियल पेपर्स आर इश्यूड एट ए डिस्काउंट द मिनिम वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर इज रुपीज़ फाइव लैक एंड जो मेचोरिटी ड्यूरेशन होती है इट टिपिकली वेरीज फ्रॉम फोर्टीन डेज टू वन ईयर यहाँ पे अब मैंने वर्ड यूज़ किया हाई नेटवर्थ कंपनी हाई नेटवर्थ कंपनी मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है दीज कंपनीज़ का जो नेटवर्थ है वो करोड़ के अंदर है ओनली दीज कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर्स चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर इंस्टेंस आई हैव रिलायंस रिलायंस एक कंपनी है एंड रिलायंस ईशूज़ कमर्शियल पेपर ऑफ़ रुपीज़ फाइव लैख फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर एंड दिस कमर्शियल पेपर इज इश्यूड टू अ बैंक फॉर एग्जाम्पल एस बी आई सो रिलायंस इश्यूज़ अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ अ कमर्शियल पेपर जिसकी पाँच लाख की वैल्यू है फेस वैल्यू है एंड मैचोरिटी है एक साल की पाँच लाख से नीचे का तो इशू हो ही नहीं सकता बहुत टाइम पहले कमर्शियल पेपर की जो मिनिमम uh, वैल्यू होती थी वो एक करोड़ होती थी देन इट वाज ग्रेजुअली रिड्यूस टू ट्वेंटी फाइव लैक्स दैन नाउ इट इज़ रिड्यूस टू फाइव लैक्स पाँच लाख से नीचे का कमर्शियल पेपर इशू नहीं हो सकता और ये जो कमर्शियल पेपर होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही इशू किया जाता है एंड दिस फॉर्मेट इज़ डिसाइडेड बाई द आर और इस कमर्शियल पेपर की लैंग्वेज ऐसी होती है कि रिलायंस uh, ये प्रोमिस करता है कि ये कमर्शियल पेपर जो भी इस कमर्शियल पेपर को होल्ड करेगा एक साल के बाद रिलायंस विल पे फाइव लाख रुपीज़ टू दैट होल्डर हुए होल्ड दिस पेपर कोई बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जो भी हो जो भी इसको होल्ड करेगा एक साल के बाद रिलायंस विल गिव फाइव लाख रुपीज़ टू दैट होल्डर तो इस कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट जो एस है वो रिलायंस को कुछ पैसे देगा फॉर एक्ज़ाम्पल रिलायंस मान लीजिए फोर लाख रुपीस। सो so, इस कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट आर एस जो है वो रिलायंस को चार लाख रुपए दे देता है और इस चार लाख के बदले रिलायंस को एक साल बाद एस को या फिर जो भी इस कमर्शियल पेपर को होल्ड कर रहा होगा उसे पाँच लाख रुपए देने हैं तो इस केस के अंदर रिलायंस को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा एक साल के लिए फ़ाइव लैख माइनस फोर लैख दैट इज़ वन लैख तो हमने टर्म यूज़ की थी कि ये जो कमर्शियल पेपर है इट इज़ एन अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन इसका मतलब ये है कि रिलायंस ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं एक साल बाद पाँच लाख रुपए दूंगा मुझे अभी तुम चार लाख रुपए दे दो तो बस ये है इसके अगेंस्ट कुछ इस पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट रिलायंस ने कोई एसेट प्लेज नहीं किया कुछ कोलेक्ट्रल नहीं दिया इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर सो दैट्स वाई इट इज़ अनसिक्योर्ड इस कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट रिलायंस कोई गोल्ड या फिर कोई आप मान लीजिए कोई एसेट कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई प्रॉपर्टी के कागज गिरवी नहीं रखेगा इस बेई को रिलायंस विल सिंपली इशू अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ अ कमर्शियल पेपर दैट्स इट दैट्स वाई इट इज़ अनसिक्योर्ड सो इट इज़ अनसिक्योर बिकॉज इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेट्रल और हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड की बात की थी कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डेट क्योंकि कमर्शियल पेपर जो है वो लेस देन वन ईयर के लिए इशू किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं डिस्काउंटिंग क्यों क्योंकि पाँच लाख का कमर्शियल पेपर इशू किया गया और उसके अगेंस्ट चार लाख रुपए मिले तो एक लाख का तो इंटरेस्ट हुआ उसकी बात नहीं करेंगे अभी कितना पैसा मिला इशू करने के बाद चार लाख रुपए मिला और एक साल बाद पाँच लाख रुपए देने हैं सो एक डिस्काउंट की बात चल रही है यहाँ पर यही कंसेप्ट हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था जब हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की थी ये जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये ट्रेडेबल होते हैं इसका मतलब मान लीजिए एस को मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब एस क्या करेगा एस इस कमर्शियल पेपर को आगे सेल कर देगा एस बी आई में सेले टू अदर बैंक्स और आर बी आई एज द केस में भी चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एस बी आई ने आर बी आई को ये पेपर सेल कर दिया क्योंकि एस को पैसे की ज़रूरत थी और हमने ये स्टडी किया था कि आर से जब भी पैसा लेना होता है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी तो प्लेज करनी पड़ती है कोई ना कोई सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है अब यहाँ पर एस हैज़ गिवन दिस कमर्शियल पेपर एज़ सिक्योरिटी टू द आर सो द बैंक एस बैंक हैज़ प्लेज द सेम कमर्शियल पेपर ऑफ़ फाइव लैक रुपीज़ टू द आर एंड इन रिटर्न आर विल गिव मनी टू एस बी आई आर बी आई जब बैंक एस बी आई को पैसे देगा देन आर बी आई विल डिडक्ट द मनी एट द रेट ऑफ बैंक रेट सो आर बी आई विल डिडक्ट द इंटरेस्ट एट द बैंक रेट एंड विल गिव द मनी टू द एस बी आई सो दिस होल प्रोसेस इज़ नथिंग बट री डिस्काउंटिंग पहले पहले डिस्काउंटिंग हुई थी और अब री डिस्काउंटिंग हुई है ऑन द सेम कमर्शियल पेपर एट प्रेजेंट द बैंक रेट इज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंटेज तो आर बी आई जो है इस केस के अंदर एस बी आई से छः पॉइंट पाँच परसेंटेज का इंटरेस्ट काट लेगी और बाकी पैसा एस बी आई को दे देगी चलिए अब फिर से बैंक रेट की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं बैंक रेट इज़ इज़ नोन एज द री डिस्काउंट रेट इट इज़ नॉट डिस्काउंट इट इज़ द री डिस्काउंट रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक विच इज आर बी आई लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट कॉपरेट बॉन्ड्स और फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज तो आर बी आई यहाँ पर कॉपोरेट बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करता है और लैंड करता है कमर्शियल बैंकस को नाउ लेटर स्टडी द इफेक्ट ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ बैंक रेट बैंक रेट सर्वस एज अ बेंच मार्क फॉर द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक ऑन धियर लोन्स एंड एडवांसेज सो इट एक्ट्स एज ए बेंच मार्क हाउ इट एक्टेज अ बेंच मार्क एंड वाई इट एक्टेज अ बेंच मार्क लेटस सी वेन आर बी आई इंक्रीज इज दैंक रेट इफ़ द बैंक रेट आर इंक्रीज दैन इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आर बी आई ऑब्वियसली एज वी कैन सी इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अगर जो बैंक रेट है वो सिक्स पॉइंट फाइव से मान लीजिए एट पॉइंट फाइव हो जाता है तो नाउ इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आर बी आई विच कैन लीड टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक ऑन देयर लोन्स अगर बैंक्स के लिए पैसा लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आगे लैंड भी क्योंकि तो बैंक को तो प्रॉफिट कमाना है अपना मार्जिन बना के रखना है तो बैंक उसी प्रपोर्शन uh, के अंदर अपने आगे के जो जिस रेट्स पे बैंक लोन देता है आगे उसको इंक्रीज़ कर देगा सो इंक्रीज़ इन बैंक रेट विल लीड टू इंक्रीज़ इन द इंटरेस्ट रेट्स Charged by the commercial banks on their loans. So, this was all about the bank rate and the commercial papers. Thank you.